नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफताब पूनेवाला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट तैयार कर ली है। चार्जशीट में मसौदे में 100 से ज्यादा लोगों की गवाही है। इसमें महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक सबूत हैं, जिसे पुलिस ने महीनों की जांच के दौरान इकट्ठा किया है। पुलिस ने चार्जशीट में आफताब के कबूलनामे, उसके नार्को टेस्ट के नतीजे और फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। फिलहाल इसकी कानूनी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब के खिलाफ चार्जशीट जनवरी के आखिरी हफ्ते में दाखिल की जा सकती है। इसमें पुलिस ने छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियों और उनकी डीएनए रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिससे पुष्टि हुई है कि हड्डियां श्रद्धा की हैं। इसके अलावा आफताब पूनेवाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इन दोनों रिपोर्ट्स का कोर्ट में ज्यादा महत्व नहीं है। पुलिस ने कहा है कि 4 जनवरी को दक्षिण दिल्ली के मेहरौली के जंगल से मिले बालों और हड्डियों नमूने भी श्रद्धा के नमूनों से मेल खाते हैं। आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की 18 मई को हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इन टुकड़ों को रखने के लिए वह 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया था। पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर मेहरौली के जंगलों से श्रद्धा की हड्डियां बरामद की थी। 28 साल का आफताब पूनेवाला पिछले साल नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। आफताब ने पहले दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उसने अपनी साथी श्रद्धा वालकर को पल की गर्मी से मार डाला था। जनवरी की शुरुआत में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूनेवाला की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी थी। इस दौरान कोर्ट के सामने आफताब ने कस्टडी में पढ़ने के लिए कानून की कुछ किताबें मांगी। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के सामने कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने जेल अधिकारियों से आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश दिया था।